दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ द्वारा हाट में। जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वैसा ही एक उदाहरण आज हमें द्वारा हाट के बाजार में मिला। हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारी नज़र पड़ी एक वैन पर जिसमें लिखा था तेजस ग्रुप एंड एसोसिएट बैणियों की रसोई। तो मन किया कि क्यों ना यहाँ रुका जाए, इनसे बात की जाए। थोड़ी देर बात करके पता लगा कि ये बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके बारे में जानें कि कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। और यहाँ फिलहाल मैं बता दूँ कि बढ़िया सी टिकिया बन रही है आलू की। नमस्कार, आपका नाम क्या है? अंबिका देवी। अंबिका देवी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भगवानी बोकर सकुनी गांव से। अच्छा, तो टिक्की बना रहे हैं आप? हाँ, टिक्की बना रहे हैं। हमने अपने हाथों से हमने सुबह बनाए तैयार किया। अभी हम मार्केट में उसे और निकले। अच्छा, तो कब से काम कर रहे हैं? उसको टाइम 2 साल से ज्यादा हो गया फिर। अच्छा, हाँ 2 साल लगभग हो गया। हाँ, 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, तो कैसे काम करते हैं इसमें? ऐसे मतलब सुबह तैयार किया हमने, ऐसे शाम को फिर बाजार आते हैं फिर। ठीक है, क्या बात है। तो आपका नाम क्या है? सरिता रेणी। सरिता जी, आप बताइए कैसे आइडिया आया कि ये ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं पहाड़ों में? क्योंकि गांव में ऐसा प्लान हो रहा है, घर से बाहर सब चले जा रहे हैं, और तब जाके हमने कहा तो रोजगार तो करना है, कोई स्वरोजगार ऐसे करते चलो। अच्छा, स्वरोजगार को देखते हुए। तो जब शुरुआत की थी और अब में कुछ अंतर आया पहले से? हाँ, बहुत अंदर आया। अच्छा, अभी तो बहुत डिमांड हो रही है यहाँ टिक्कियों की। अच्छा, डिमांड हो रही है। अच्छा, ऐसे शादी ब्याह में, एक मेलों में, ऐसे सब जगह लगते हैं। शादियों में, विवाहों में, मेलों में, आप बर्थडे पार्टी जहाँ जहाँ बुलाते हैं लोग रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ, हर मार्केट में जाते हैं, हर हफ्ते, हर 3 में अलग अलग जगह पे जाते हैं। अभी तो राट है, अभी सोमेश्वर होंगी, कभी मचकारी होंगी। क्या कोई दिन तय है? जैसे जैसे कि आज शुक्रवार को यहाँ राट, बृहस्पतिवार को सोमेश्वर, शुक्रवार को फिर यही यहाँ, नहीं मचकाली, फिर शनिवार को यही। अच्छा, क्या बात है, नहीं क्या बात है। तो कितने लोग हैं आप इसमें? कितने लोग हैं? 4 जने। 4 जने, 4 पर्सन। जैसे ऐसा ऐसा लगता है अपने माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं यहाँ पर, वाकई में अपने माँ और बहनों के हाथ का खाना खा रहे हैं। कितने लोग? 4 जने, इसमें 4 महिलाएं हैं। एक हमारे ड्राइवर साहब, बात करने दीजिए, जिससे आपसे भी बात करें। एक ड्राइवर साहब है, गाड़ी चलाते हैं, और 4 महिलाएं हैं उसमें। अच्छा, 4 महिलाएं हैं। तो 2 आप यहाँ आए? 2 अभी घर में है, वो सुबह उन्होंने तैयार किया। अच्छा, अभी शाम को देने बाजार। मतलब 2 लोग की ड्यूटी वो बनाने की होगी और 2 लोगों के शाम को हम सुबह बनाएंगे तो वो मार्केट आएंगे। अच्छा आंटी, बताए 3 से 4 साल में कैसा आनंद आ रहा है? हाँ, तो अच्छा लगा हमको तो, क्योंकि एक चीज देखने को मिला, जो है सभी से मुलाकातें हो जाती है, फिर नई नई चीज देखने को मिलती है। हमें भी मतलब बाहर घूमने का उसका मतलब बहुत हो गया है। अच्छा। जैसे हम पहले मार्केट में जाते हैं, हमारे तो घर में बहुत काम भी है, खेती बाड़ी वो सब कुछ है ना, कहाँ खेती बाड़ी एक तरफ और ये एक तरफ है। कैसे मैनेज करते हैं दोनों को, हो जाता है? एक टाइम पर कर लेते हैं ना, भी ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। एक टाइम पर घर का कर लिया, एक टाइम पर हम ये चीज़ कर लेते हैं। जैसे मतलब पहले तो घर का ही होता था, तो अपने हम ये काम जब से हमने शुरू किया तो घर का भी कर लेते हैं, वही जा रहा हूँ। अच्छा, दोनों काम हो जा रहा है, ठीक ही। और अभी अभी कहते हैं लोग, ग्राहक लोग भी, खाने वाले भी ठीक हो रहा है, तो हमें भी ठीक ही लगा। तो ये वाली बोकर वाले जो लोग हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं स्वरोजगार को लेकर। प्लान हो रहा है कुछ कहेंगे इसमें, जो लोग जा रहे हैं बाहर को? नहीं तो ऐसा है, मतलब पहाड़ पर अच्छा ही हुआ भी नहीं। ये बढ़िया हो रहा है। तो ऐसा कोई और मन है कि और जगह भी खुले जाए ये गाड़ी? हाँ, ये चीज़ फिर हम बोलो क्या रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी भाई साहब भी हैं आपके साथ ही हैं अभी? हाँ, नमस्कार भाई साहब, अपना नाम बताइए अपना। चंदन सिंह बोरा। तो बोरा जी, आप भी वहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, भगवानी बोकर सकुनी। आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है कि महिलाओं को लेकर जो है, ये हमारे बढ़िया सा हमारे प्रधान जी हैं देवेंद्र बिष्ट। अच्छा, ग्राम सकुरी भगवानी बोकर के ना। हाँ, ये उनका वो था, उनका इनिशिएटिव था कि ऐसे आप लोग काम करें। अच्छा, और दूसरा वो आर्मी से हुआ है। अच्छा, आर्मी से ले रहे हैं जी, ये बढ़िया है। तो हाँ, उन लोगों ने जो है कहा, यार तुम बाहर जा रहे हो, यहाँ से पलायन रोकना है, वो करना है, और तुम जो है ये काम करो। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स है? तो अभी तो सही है, बढ़िया। बीच में पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया था, उस टाइम थोड़ा सा परेशानी थी। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी सही हो गया। अब सही। तो दिन भर लगाते हैं, शाम को लगाते हैं? वही 2 बजे निकलते हैं हम। अच्छा, 2 बजे निकलने के बाद उसके बाद 5-6 बजे तक
यहाँ आ जाते हाँ। अलग अलग जगह किसी दिन सुबह सर किसी दिन मचकाली हाँ। इन जगह जाते रहते। चलो ये बढ़िया है बहुत अच्छा काम करिए। ऊपर से जो है आवाज आती है बच्चे आ जाते हैं इसको देख के। अच्छा आपने गाना भी लगाया हुआ है। देवेंद्र बिस्ट ने खुद ही गा रखा। अच्छा गायक भी हो। देवेंद्र बिस्ट से कैसे मुलाकात होगी हमारी? हमारे गाँव गई है। आपके गाँव गए हैं तो अभी प्रशांत जी है उनके वाइफ जो ना हाँ उनका हुआ। चलो बहुत बहुत बधाई। नहीं तो बहुत बढ़िया काम कर। दूसरा जो है 24-25 साल जो है दिल्ली में रह के आए हुए हैं। आप 25 साल दिल्ली रहे? अच्छा उसके बाद यहाँ कैसे आना हुआ? लॉकडाउन में जो है सारे बंद हो गए थे वहाँ पर हाँ। तो उसके बाद से हम इधर। आप पहले इसी तरह का काम नहीं तो पहले टैक्सी का। टैक्सी का काम हाँ। ड्राइविंग करते थे। ड्राइविंग उसके बाद आपको लगा कि ये चीज अच्छी ये ये बढ़िया है। तो चलो आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बार द्वारा आठ में जो है आपने बिल्कुल बढ़िया सा हमें टिकिया खिलाई गोलगप्पे खिलाए इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। इसमें क्या है एक तो हमारा जो फ्रेश है। अच्छा तो हमारा ये नहीं है कि आज फ्रिज में रख दो रख दो ऐसा कुछ नहीं। हमारा डेली बनता है डेली जीवन निकलता है। मतलब खेत में आलू हो रहे हैं हाँ बस उन्हीं को निकाला खोदा उन्हीं को उबाल के खिला दिया लोगों को बिल्कुल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये बहुत बढ़िया है। अपनी जो है वहाँ का और जो है इधर का जो चाट में कितना स्वाद आया बढ़िया था शानदार था शानदार। मतलब मैं अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूर अगर हम हल्द्वानी से 100-150 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपको गोलगप्पे और टिक्किया मिल जाए। मिल जाएंगे कहीं जंगल में भी मिल जाएंगे अगर आपने ये आवाज़ सुन ली तो जंगल में भी। चलो ठीक है तो अगर ये आवाज़ अगर सुनाई दी तो हम जरूर रुकेंगे दोबारा भी जी। बिल्कुल ये पहाड़ है पहाड़ के रोजगार की जब जब हम बात करते हैं तब तब ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने रहते हैं जो पहाड़ को जिंदा रख रहे हैं जो रोजगार को जिंदा रख रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा जो कर्तव्य है कि गाँव में जाना गाँव के लोगों से बात करना तो वो हम बखूबी कर रहे हैं लोगों से मुलाकात करके स्वरोजगार के बारे में बात करके पहाड़ के बारे में बात करके। फिलहाल इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहे जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना स्वच्छता और शुद्धता की पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पिसा हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग नर्मदा भोग स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।